हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFS। मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं IFS में। और IFS में आज ये जो सीरीज है, लेक्चर सीरीज है, वो आपकी टिपिकली बेस्ड रहेगी RPSC ग्रेड फर्स्ट जो स्कूल लेक्चर है उसको फोकस करते हुए। तो न केवल इस सीरीज में हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक की बात करेंगे, किसी कंसेप्ट की बात करेंगे, जबकि साथ साथ उस कंसेप्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी इस सेशन के एंड में डिस्कस करेंगे, जो कि प्रोबेबली आपके स्कूल लेक्चर में आने की संभावना उनकी रहेगी। साथ ही साथ इस सीरीज में अभी तक जितना हम देख रहे हैं उसमें हम जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल है जिनका एनाटॉमी और रिप्रोडक्टिव साइकिल, मतलब सारा फिजियोलॉजिकल, मतलब ये कहूँ कि उनकी सिस्टमेटिक पोजीशन की बात कर लें, उनकी हैबिटेट की बात कर लें, उनकी इंटरनल मोर्फोलॉजी की बात करें, उनकी हिस्टोलॉजी की बात करें और उसके जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो सिस्टम्स हैं उनकी बात भी करेंगे। हालांकि अमीबा के सेंस में प्रोटोजोन होता है तो सिस्टम्स तो इसमें देखने को मिलते नहीं है, लेकिन अमीबा के बाद में उबेलिया के बाद में टीनिया, फिर एस्केरिस, फिर आपका फेरेटिमा, फिर आपका पेरिप्लेनेटा, ये तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक वीक के सेशन में हम करने वाले हैं। फिर इमीडिएट आपके उसके फिर हम राना टिग्रिना और जो रैबिट है और ऑरिप्टोलेगस क्यूनिकुलस के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। पूरा फोकस जो रहेगा आपका स्कूल लेक्चर और सिमिलर जो दूसरे स्टेट्स के जो PGT और TGT के एग्जाम्स हैं उनमें भी ये महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। और इस सेशन में हम रोज 10 से लेकर एक वीक तक रोज एक एक एनिमल की बात करने वाले, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की सिस्टमिक पोजिशन के साथ। टैक्सोनॉमिकली अगर देखें, क्लासिफिकेशन वाइज देखें, तो वो ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर, क्योंकि पूरा क्लासिफिकेशन हो ना हो, इन आठों ऑर्गेनिजम्स में आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन का आने की संभावना पूरी आपकी रही। साथ साथ उसके बाद हम फॉलो करेंगे कि हैबिटेट और हैबिट कौन से टाइप के हैबिटेट में वो पर्टिकुलर एनिमल आपको देखने को मिल सकता है। उसके इमीडिएट आफ्टर हम ये देखेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म की फीचर्स क्या है, इंटरनल फीचर्स और एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या है। हिस्टोलॉजी की बात करेंगे, अगर वहां सिलम का फॉर्मेशन है तो हिस्टोलॉजी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। यहाँ तक हालांकि अमीबा के सेंस में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर भी हम देखेंगे कि प्लाज्मा लेमा क्या काम करते हैं, क्या इसके ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। उसके ठीक बाद हम जो मूवमेंट है, अमोबोइड मूवमेंट है, उसकी बात करेंगे और इसकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है, इसमें जो एफेक्टिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इंसिस्टमेंट में इनको देखने को मिलता है, या फिर इसकी जो बिहेवियर वाइज जो चीजें होती है, कैसे ये डिफरेंट स्टिमुलस के अगेंस्ट इनका रेस्पॉन्स कैसा रहता है, उस रेस्पॉन्स पर भी हम चर्चा करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं आज इसके सेशन को, और आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अमीबा के बारे में, ठीक है, अमीबा के बारे में, ठीक है, अमीबा के बारे में आज की बात क्लास में हम बात करने वाले। सिंपली जो अमीबा होता है वो एक प्रोटोजोवन होता है। तो प्रोटोजोवन के कुछ एक कैरेक्टर मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो प्रोटोजोवंस होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्मदर्शी है, देखे जा सकते हैं, आप नेकेड आई से उनको नहीं देख सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर कि इनमें होता है टिपिकल लोकोमोशन, इनमें एक टिपिकल लोकोमोशन होता है, और इनकी बॉडी में लोकोमोटरी अडेप्टेशन कैसी है उसके बेसिस पर पूरा जो फाइलम है वो डिपेंडेंट रहता है। जैसे इनमें लोकोमोशन के लिए आपको ऊर्ट्पाद देखने को मिल सकते हैं, ऊर्ट्पाद देखने को मिल सकते हैं जिनको आप स्यूडोपोडिया कह दीजिए, या फिर आपको सीलिया देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल अशोक, MCQ की बातें करेंगे हम, बुक की बात भी करने वाले हैं, सीलिया भी देखने को मिलेगा, ऐसे ही आपको फ्लैजिला भी देखने को मिलेगा, और एक ग्रुप आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा प्रोटोजोन्स में जिसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होगा,
चांसेस क्या होंगे कि लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर अमीबोइड जो है या अमीबा है या मैं कहूँ प्रोटोजोवन है वो डिपेंड करेगा किसी दूसरे एनिमल पर। दैट मीन उनमें आपको स्पोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं और ये स्पोर्ट्स जो होते हैं जो एंडोपैरासिटिज्म है, एंडोपैरासिटिज्म है इसको फेवर करेगा। तो या तो स्यूडोपोडिया वाले हो सकते हैं या आपको पक्षमाप वाले दिख सकते हैं या आपको मेस्टिकोफोरस देखने को मिल सकते हैं जिनमें आप कसाब देखते हैं या फिर आपको स्पोरोजोवंस देखने को मिलते हैं जो कि जिनमें आपको किसी प्रकार का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये तो बेसिक आइडिया हुआ प्रोटोजोआ का। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हम अमीबा की बात करते हैं और अमीबा में सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम सिस्टमेटिक पोजिशन को लेकर। सिस्टमेटिक पोजिशन कि अमीबा को क्लासिफिकेशन सिस्टम में कहां रखा, बात करूं तो फाइलम जो होता है इंपॉर्टेंट, फाइलम जो होगा वो रखा जाता है इसमें प्रोटोजोवन का, और प्रोटोजोवन वो जीव थे जो आदिम प्रकार के थे, मोर और लेस प्रोटिस्ट से रिलेटेड थे, पार्किंग डंक सिस्टम को प्रोटिस्टा में रखा गया ताकि वो एनिमल जिनमें एनिमल के जैसे फीचर भी हो और प्लांट के जैसे फीचर भी हो। डेफिनेटली हम देखते हैं प्रोटोजोवन में यूलिना होता है, वो जो होता है एक साइटोमस की रूप हो रहा होता है, मैं आपको वाटरफॉल प्लांट देखने को मिलता है जिससे वो अपना फूड खुद बना सकता है, उनप्रोप हो सकता है, लेकिन जब उसको लाइट प्रॉपर नहीं मिल पाती है तो वो फोलोजोइक मोड को अडेप्ट कर लेता है, तब ना प्लांट और एनिमल दो रूप की तरह बिहेव करते हैं। तो प्रोटोजोआ में ऐसे जीवों को रखा जाता है। प्रोटोजोआ को बाद में कि उसमें आपको लोकोमोशन कैसे है उस बेसिस पर आगे फर्दर सब फाइलम में डिवाइड किया गया है और उसमें एक सब फाइलम आता है आपके पास सार्कोमेस्टिगोफोरा। सार्कोमेस्टिगोफोरा मतलब ऐसे जीव जिनमें मूवमेंट के लिए आपको फ्लैजिला भी देखने को मिल सकता है, स्यूडोपोडिया भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, कसाब भी देखने को मिल सकता है, कूटपाद भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद सुपर क्लासेस में डिफ्रेंशिएशन आगे किया गया है और जो सुपर क्लास प्रोटोजोआ से संबंधित है वो आती है सार्कोडिना की, ऐसा जीव जिसमें गमन के लिए क्या देखने को मिलते हैं, कूटपाद देखने को मिलते हैं। साथ ही सब क्लास के बाद में क्लास आती है जिसमें आप कह देंगे राइजोपोडा। राइजोपोडा में जो एक्सियल फिलामेंट होता है इनकी बॉडी में वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लास के बाद में आपके पास सब क्लास भी आ जाती है, सब क्लास आ जाती है लोबोशिया, जो ब्लंट एंडेड फिंगर इनमें देखने को मिलते हैं वो लोबोशिया में इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद में ओडर की बात आ जाती है तो हम बात कर लेते हैं अमीबोइडिया, और उसके बाद जीनस अपना आएगा अमीबा और स्पीसीज अपनी कौन सी आ जाएगी, प्रोटियस, ठीक है, स्पीसीज अपने पास कौन सी आ जाएगी, प्रोटियस आ जाएगी। तो सिस्टमेटिक पोजीशन तो हुई है। अगर थोड़ा सा मैं चर्चा करूं हैबिट एंड हैबिटेट की, तो जो अपना सिमिलर रहेगा सभी जो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे इस वीक में उसमें सारा पैटर्न अपना यही रहेगा पढ़ने का। अगर मैं इनका हैबिट एंड हैबिटेट की बात करूं, इनका आवास और प्रवास कहाँ रहता है, एक टिपिकल जो प्रोटोजोआ होगा वो आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, फ्रेश वाटर में। इससे सिमिलर एक और स्पीसीज होती है एंटामीबा, एंटामीबा हिस्टोलाइट का, जो कि अमोबाइल डिजेंट्री कोज करती है, वो फ्रेश वाटर में नहीं पाई जाती। दैट मीन इस फ्रेश वाटर में रहने के लिए इनमें ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शंस देखने को मिलेंगे, और क्योंकि ये प्रोटोजोवन है तो ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन के लिए कोई सिस्टम तो होगा नहीं, ना कोई ऑर्गन होगा ना कोई टिश्यू होगा, तो आपको वहां कॉन्ट्रैक्टाइल वोक्यूल देखने को मिलती है कि इनकी जो हाइपरटोनिक बॉडी होती है अमीबा में आपको सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है, तो वाटर को बाहर निकालने के लिए क्या होगा, आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वोक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन एंटामीबा हिस्टोलाइटिका में कॉन्ट्रैक्टाइल वोक्यूल नहीं होती, तो सीधा डिफरेंशिएशन एंटामीबा अमीबा में क्या रखेंगे, कि अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वोक्यूल संकुचनशील धानिया हमें देखने को मिलती है, लेकिन एंट अमीबा में ऐसी देखने को नहीं मिलती।
फ्रेश वाटर में रहती है, अमूमन जो बॉटम मड होता है, किसी भी तालाब में आप जा सकते हैं, तालाब में भी आपको ये मिल सकते हैं, बॉटम मड में देखने को मिलेगा। बॉटम मड में देखने को क्यों मिलेगा? साथ ही क्योंकि इसी बॉटम मड में आपको वेजिटेशन देखने को मिल सकती है। अब वेजिटेशन की बात मैं क्यों कह रहा हूं कि अमीबा हमेशा अगर लोकोमोटरी मोड में है तो उसको अटैच होने के लिए किसी सबस्ट्रेट की जरूरत पड़ती है, किसी आधारभूत संरचना की जरूरत पड़ती है, आधार की जरूरत पड़ती है। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर सबस्ट्रेट नहीं होगा तो ये लोकोमोशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बात है इसकी हैबिट एंड हैबिटेट की। अगर मैं थोड़ा सा और इंप्रोवाइज करूं इस बात को, तो इसका हम लेबोरेटरी कल्चर भी कर सकते हैं, लेबोरेटरी कल्चर भी किया जा सकता है और हम करते भी होंगे। आपने जब एमएससी आपका बीएससी एमएससी किया होगा तो आपने अमीबा और पैरामीशियम का लेबोरेटरी कल्चर भी किया होगा। कुछ आपने जो घास फूस है उसको इकट्ठा किया होगा, वो थोड़ा सा जो वेजिटेशन है जैसे हाइड्रिला वगैरह होगा वो आपके पूंछ से लाए होंगे और फिर उसको एक डिस्टिल वाटर के मीडियम में बनाए होंगे। कुछ नए जो धान वगैरह होते हैं, गेहूं, जो का पानी आपने कुछ बनाया होगा और उस पानी में इन अमोबिया अमीबा पैरामीशियम को ग्रो किया जा सकता है। जो लेबोरेटरी कल्चर किया जाए तो वो ग्रो जिस मेथड से करते हैं उस मेथड को कहा जाता है ए इन्फ्यूजन मेथड। ए इन्फ्यूजन मेथड उस मेथड को कहा जाता है जिसके थ्रू अमीबा का लेबोरेटरी कल्चर भी आप कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप के जो बिहेवियर जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो आप एक लेबोरेटरी कल्चर करने के बाद में एक बड़े नंबर ऑफ अमीबा के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात ही हैबिटेट एंड हैबिटेट की। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर को एक साथ देखते हैं। यूनिफॉर्म होती है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो टिपिकली आपको एनाटॉमी से ज्यादा देखने को मिलेंगे। किसी एक अमीबा के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि वहां आपको कई सारे स्यूडोपोडिया देखने को मिलते हैं। स्यूडोपोडिया जो इनमें एक लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं, जो जो टिपिकली हम देखें तो इस तरह की स्ट्रक्चर इनकी हो सकती है, इस तरह के की स्ट्रक्चर इनकी हो सकती है। एक रैंडम स्ट्रक्चर होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा अपने पास कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं, उन फीचर के बेसिस पर आप ये कह सकते हो कि एंटीरियर एंड कौन सा होता है और पोस्टीरियर एंड कौन सा होगा, कि आगे आगे वाला हिस्सा कौन सा होगा, पीछे वाला हिस्सा कौन सा होगा, ये भी आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जब कभी भी किसी भी प्रोटोजोआ में जो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन है वो आपको जिस तरफ होता हुआ दिखता है, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन जिस तरफ आपको दिखता है उस तरफ आपको एक ब्लंट एंड देखने को मिलता है और ये ब्लंट एंड कहलाता है हाइलाइन केप। हाइलाइन केप जो कि सिर्फ और सिर्फ इसकी जो एक्टोडर्म, आगे हम देखेंगे जो बॉडी वॉल होती है इसकी, हिस्टोलॉजी में देखेंगे कि इसकी जो बॉडी वॉल होती है अमीबा की वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म, या फिर मैं कहूँ कि आउटर वॉल और इनर वॉल में डिफरेंशिएट रहती है। एक्टोडर्म एंडोडर्म का डिफरेंशिएशन अभी तक नहीं हो पाता, प्लास्टिक नहीं होते, नहीं होंगे तो डर्म की बात हम करेंगे नहीं, सिर्फ आउटर वॉल लिख सकते हैं, इनर वॉल लिख सकते हैं, या फिर मैं कहूँ एक्टोडर्म से भी और अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा एक्टोप्लाज्म। ठीक है, तो जिस तरफ आपको हाइलाइन केप देखने को मिलता है वो किसी भी अमीबा में कौन सा रीजन कहलाया जाएगा, एंटीरियर रीजन। और कोइंसिडेंसली जो स्यूडोपोडिया होते हैं, जो कूटपाद होते हैं, उनका फॉर्मेशन आपको एंटीरियर रीजन में ही देखने को मिलते हैं। ये इनके से बनाते रहते हैं, वापस नया स्यूडोपोडिया बनता रहता है। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जितने भी फूड वोक्यूल, मैंने अभी जो कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल है उसकी बात कर लेता हूँ, चलो किसी भी कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल आपको एक संख्या में देखने को मिलेगी और वो जो कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल है किसी भी अमीबा में आपको पोस्टीरियर रीजन में देखने को मिलेगी, कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल। ठीक है, संकुचनशील
हनी, ये आपको पोस्टीरियर रीजन में देखने को मिलेगी, और पोस्टीरियर रीजन की तरफ आपको कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, या फिर मैं कहूंगी एंड देखने को मिलेगा, जिसको आप यूरोइड कह सकते हैं, और यूरोइड हो गया तो इस रीजन को आप क्या कह सकते हैं, पोस्टीरियर रीजन। आगे वाला हिस्सा हाइलैंड केप की तरफ, पीछे वाला हिस्सा यूरोइड केप की तरफ। आगे की पहचान क्या, क्योंकि वहां हाइलैंड केप होगा, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन होते हुए दिखेंगे। पीछे की पहचान क्या, क्योंकि वहां कॉन्ट्रैक्टाइल वो क्यों आपको देखने को मिलेगी। अगर एक सेल है तो न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है, न्यूक्लियस भी आपको एक सॉलिड बाइकोनकेव न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, जो कि मोर और लेस सेंटर में देखने को मिल सकता है। बाइकोनकेव न्यूक्लियस भी आपको यहां देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस आपको यहां देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसी इंटीरियर रीजन की तरफ आपको कुछ पर्टिकुलर फूड वोक्यूल्स भी देखने को मिलेगी। अब यहां से आप एक और जजमेंट डाल सकते हैं, किसी भी अमीबा में फूड वोक्यूल्स होती है, जो खाने की धानियां होती है, वो खाने की धानियां आपको इंटीरियर रीजन पर ही देखने को मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल रमनदीप, अभी फुल फ्लैश जो ग्रेड फर्स्ट का बैच है हमारे आईएफएस ईप में चल रहा है, एक्सप्लोर कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, कॉलेज लेक्चर के लिए भी नहीं चल रहा रमनदीप, कॉलेज लेक्चर के लिए भी नहीं है। कॉलेज लेक्चर के लिए अगर आपको चाहिए तो आपके पास रिकॉर्डेड जो बैच है वो अवेलेबल रहेगा, लाइव बैच ग्रेड फर्स्ट का ही अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये फूड वोक्यूल भी आपको देख लो। एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता देता हूं कि जो पूरी कवरिंग है इस अमीबा के जो एक्टोप्लाज्म है उस पर कवरिंग जो होगी वो इसकी प्लाज्मा लेमा बनाती है। ध्यान रखिएगा, तो जो फूड का इंजेशन होगा वो भी इस प्लाज्मा लेमा के थ्रू होगा, और फूड का इजेशन भी, अनडाइजेस्टेड फूड का इजेशन भी ये प्लाज्मा लेमा में रप्चर के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन जो है वो ही एक तरीके का प्लाज्मा लेमा का एडप्टेशन, एडप्टिव बिहेवियर मान सकते हैं आप उसको, उसी के थ्रू फूड को एंगल्फ किया जाता है। तो यही प्लाज्मा लेमा जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होती है उनको डिस्चार्ज करने का काम भी करती है, इवन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको भी डिस्चार्ज करने का काम कर लेती है। तो ये स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंटली आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में, प्रोटोजोआ में, अमीबा के बारे में। अगर मैं थोड़ी सी साइज को भी आपको डिस्कस करूं तो नथिंग इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने लायक चीजें नहीं है, लेकिन 250 टू 600 माइक्रोन इनकी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकती है, जो लगभग 0.6 mm के आसपास होती है। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इनकी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से इररेगुलर दिखती है, कलरलेस दिखती है, पिगमेंटेशन इनमें देखने को नहीं मिलता है, और इसमें जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें ट्रांसपेरेंट प्रोटोप्लाज्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक फीचर्स थे इनके बारे में जो कि हमने डिस्कस किए इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। थोड़ा सा प्लाज्मा लेमा के बारे में और बताना चाहूंगा कि प्लाज्मा लेमा क्या करती है। प्लाज्मा लेमा कि अगर स्ट्रक्चर देखें तो टिपिकल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, और कुल मिलाकर इनमें ट्राइलेमिनार स्ट्रक्चर होती है। ट्राइलेमिनार स्ट्रक्चर देखने में, इनिशियल जो मेम्ब्रेन होती है उसकी स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है, साथ ही इनमें आपको जो सेलेक्टिव परमेबिलिटी भी इसमें देखने को मिलती है। इसका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, सेलेक्टिव परमेबल। साथ ही साथ यही प्लाज्मा लेमा किसी अमीबा को एडहेसिव पर्पज में भी काम में आती है। जब कभी भी किसी अमीबा को मूवमेंट करना होता है किसी सब्सट्रेट के साथ ये अटैच होती है, तो वो अटैच होकर एक फोल्ड के फॉर्म में होता है, वो फोल्डिंग कौन प्रोवाइड करवाती है, यही प्लाज्मा लेमा करवाती है। एडेशन मान लीजिए, फूड कैप्चरिंग मान लीजिए, या अनडाइजेस्टेड फूड का इजेशन मान लीजिए, ये सारा काम कौन करेगा, प्लाज्मा लेमा करेगी। और जब कभी भी फूड का इजेशन होगा, ठीक है, जब भी फूड का इजेशन होगा तो इस प्लाज्मा लेमा में एक
टेम्पररी रैप्चर रप्चर देखने को मिलेगा आपको, क्या देखने को मिलेगा, टेम्पररी रप्चर देखने को मिलेगा, और जिसके थ्रू जो वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं, वेस्टेज प्रोडक्ट में इनमें अमोनिया सबसे ज्यादा होता है, साथ ही वहां CO2 अमोनिया और CO2 को तो बाहर निकाला जाता है जबकि ऑक्सीजन को अंदर की तरफ भी इसी प्लाज्मा लेमा द्वारा रिसीव किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे काफी सारे ग्रेड फर्स्ट में क्वेश्चन भी बनते हैं वो हो जाते हैं अपने इनका मूवमेंट। हमने कहा राइजोपोडिया से बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली इनमें क्या देखने को मिलेंगे, कूटपाद देखने को मिलेंगे, स्यूडोपोडिया देखने को मिलेंगे, लेकिन वो स्यूडोपोडियल मूवमेंट जो है जिसको आप अमोबॉइड मूवमेंट भी कहते हैं कैसे इनमें फंक्शन करता है, थोड़ा सा एक ब्रीफ डालते हैं छोटा सा, कि इनमें जो मूवमेंट होगा उनमें जो गमन होगा उसको आप क्या कह देंगे, टिपिकल अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट। इस अमीबॉइड मूवमेंट को जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं जो स्यूडोपोडिया होता है, वो स्यूडोपोडिया इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आता है। तो मूवमेंट के लिए ये सबसे बड़ा फीचर आपको देखने को मिलता है जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे जिनको आप क्या कह दोगे, स्यूडोपोडिया। ये जो स्यूडोपोडिया है ये एक मैकेनिज्म पर काम करते हैं, वो मैकेनिज्म होती है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। वो मैकेनिज्म कौन सी होगी, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। अभी प्रेशर कैसे जनरेट होता है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर जनरेट हुआ है तो डेफिनेटली इसका जो एंडोप्लाज्म है उस एंडोप्लाज्म में आपको कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा जहां प्रोटोप्लाज्म की लिक्विडिटी हेटेरोजीनियस है, मतलब पूरा प्रोटोप्लाज्म का लिक्विडिटी आपको हेटेरोजीनियस नहीं देखने को मिलेगा। इसकी बात हम आगे करते हैं। अब देखिए यही स्यूडोपोडिया की वजह से हमें, अगर मैं कहूं कि जो साइटोप्लाज्म इसका अमीबा का वो साइटोप्लाज्म है तो इसमें आपको जो प्लाज्मा है वो दो तरीके से डिफरेंशिएट होता हुआ दिख सकता है। एक तो आपको बाहर की तरफ क्या देखने को मिल सकता है, एक्टोप्लाज्म देखने को मिल सकता है, बाहर की तरफ क्या देखने को मिलेगा, एक्टोप्लाज्म देखने को मिलेगा। वही अंदर की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, वही इनर साइड आपको देखने को मिलेगा। दो तरीके से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इनर रीजन जो है वो भी आपको आउटर रीजन और इनर रीजन में डिफरेंशिएट होता हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों होता है उसकी चर्चा करते हैं। जो आउटर होता है वो कहलाता है प्लाज्मा जेल, जबकि इनर पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, प्लाज्मा सोल, प्लाज्मा सोल। अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर मान लीजिए कि ये एक टिपिकल अमीबा है, तो इस अमीबा की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो एक्सटर्नल सरफेस है, ये एरिया सरफेस एरिया बाहर वाला है, ये तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, एक्टोप्लाज्म हो जाएगा। लेकिन जो एंडोप्लाज्म है उसका डिफरेंशिएशन भी आपको दो तरीके से देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको इनर एंडोप्लाज्म कह दूं तो कुछ ज्यादा बात प्रॉपर हो जाएगी अपनी, इसको मैं एंडोप्लाज्म कह दूं तो इस एंडोप्लाज्म में भी आपको एक आउटर रीजन देखने को मिलता है, एंडोप्लाज्म में भी आपको एक आउटर रीजन देखने को मिलेगा, और इस आउटर रीजन को नाम दे देते हैं प्लाज्मा जेल। ठीक है, अभी मैंने कहा था कि जो लिक्विडिटी होती है प्लाज्मा जेल की या प्लाज्मा सोल की या फिर अमीबा के साइटोप्लाज्म की वो हेटेरोजीनियस होती है, एक समान नहीं होती है। तो बाहर की तरफ आपको क्या देखने को मिल सकता है, प्लाज्मा जेल, जबकि अंदर की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, अंदर की तरफ देखने को मिलेगा आपको प्लाज्मा सोल। प्लाज्मा जेल है तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा कंसंट्रेटेड होगा, और प्लाज्मा सेल है वो थोड़ा सा आपको
डाइल्यूट देखने को मिल सकता है। तो अंदर वाला क्या कहला दिया जाएगा, प्लाज्मा जोन। ये बात अगर आपके दिमाग में अच्छी तरह से समझ में आई तो इसी को बेसिस मानकर एक साइंटिस्ट, उम्मीद करता हूं आप लोग बताएंगे, एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक की छोड़ी चलो आप थ्योरी का नाम बताइए, कि एक थ्योरी दी गई थी जो कि लोकोमोशन को, अमीबा में लोकोमोशन को समझाने के लिए दी गई थी, बताइए एनीबॉडी। वो थ्योरी थी, चल मैं बता देता हूं, वो थ्योरी दी गई थी सोल जेल थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी? सोल जेल थ्योरी, बिल्कुल शैलजा, परफेक्ट। वो सोल जेल थ्योरी थी, और यही जो सोल जेल थ्योरी थी वो दी गई किसके द्वारा की गई थी, क्योंकि अपने एग्जाम में तो मैं ऐसे इक्वेशन आने वाले हैं, इसको प्रपोज किसके द्वारा किया था, तो इसको प्रपोज किया गया था हाइमन द्वारा। किसके द्वारा? हाइमन द्वारा। लेकिन लेटर जाकर, आगे जाकर इसको सपोर्ट भी मिला, दो और वैज्ञानिकों का नाम इस थ्योरी से जुड़ता है आजकल, सपोर्टेड बाय पेंटीन एंड मास्ट का भी नाम इसके साथ जुड़ता है। तो हाइड आप सुनीता, वेरी गुड, तो हाइमन को तो आप याद रखोगे रखोगे, साथ में पेंटी और मास्ट को भी आप याद रखोगे, उन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि जब भी किसी लोकोमोशन अमीबॉइड मूवमेंट होता है तो जो सेल सोल पार्ट है वो जेल पार्ट में कंटिन्यूअसली इंटरचेंज होता रहता है। कैसा होता रहता है, कैसे समझाया, जैसे मान लो जी ये अमीबा अपने पास, इनिशियली मैंने आपको कहा कि जब कभी भी किसी सरफेस पर ये अपने आप को अटैच करते हैं तो अटैच करने के ठीक बाद में एक थोड़ा सा पोर्शन, प्लाज्मा लेमा का थोड़ा सा एक पार्ट है, वो उस सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है। मूवमेंट की बात कर रहा हूं तो सबस्ट्रेट के साथ ये अटैच हो जाता है। जैसे ही सबस्ट्रेट के पास अटैच होगा, अगर थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ब्रीफ और कर देता हूं, ये अंदर वाला आपको क्या देखने को मिलता है, सोल देखने को मिलेगा, बाहर वाला आपको जेल देखने को मिलेगा। तो ये बात, ये यहां जेल है। तो जैसे ही प्लाज्मा लेमा किसी सब्सट्रेट के कांटेक्ट में आती है, कांटेक्ट में आते ही एक पार्शियल लिक्विफिकेशन, मतलब इस रीजन का जो मैं कह दूं कि जो एक्टोप्लाज्म है उसमें क्या देखने को मिलता है, पार्शियल लिक्विफिकेशन, द्रवीकरण हो जाता है, पार्शियल द्रवीकरण यहां देखने को मिलता है। उस द्रवीकरण वजह से क्या होगा कि जो सोल होगा वो आगे की तरफ एक फोर्स जनरेट करेगा, जगह खाली होगी तो डेफिनेटली सोल क्या करेगा, आगे की तरफ पुश करेगा, और सोल जब आगे पुश करेगा किसको करेगा, जेल को करेगा। तो जेल क्या करेगा, अपने आप इसको एक्टोप्लाज्म को पुश करेगा। तो एक्टोप्लाज्म को पुश करने के लिए या तो इसके पास फॉरवर्ड साइड है या फिर ये पेरिफेरी पर जाकर वापस रिवर्स हो जाता है। दो चीजें यहां से आपको याद रखनी है, जब ये फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाता है तो यहां जो इसकी प्लाज्मा लेमा है वो आगे की तरफ निकल आती है, आगे की तरफ निकल आती है, इसका मतलब यहां फॉर्मेशन हो जाता है किसका, हाइलाइन केप का। और ये हाइलाइन केप किसकी बनी होती है, सिर्फ और सिर्फ एक्टोप्लाज्म की बनी होती है। वही जो यहां सेल है और यहां जेल है, यहां भी आप जेल के लिए एक बैकवर्ड मूवमेंट के थ्रू कुछ इस तरीके से ये जेल फ्लो होता है और पीछे से वापस आगे की तरफ जाता रहता है। तो जो एंटीरियर एंड है जहां एलन के पे, तो डेफिनेटली ये एंड कौन सा होगा, एंटीरियर एंड होगा। एंटीरियर एंड है तो यहां आपको सिचुएशन क्या देखने को मिलेगी, कि सोल जो है वो जेल में ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखता है। इसका मतलब आगे की तरफ आपको क्या देखने को मिलता है, जेलेशन देखने को मिलता है।
जबकि पोस्टीरियर रीजन में यहां जो जेल था वो क्या होता है, सोल में कन्वर्ट होता हुआ दिखता है, क्योंकि आगे की तरफ एक प्रेशर मेंटेन हुआ तो एक फ्लो भी मेंटेन होगा, और वो फ्लो तब तक होगा जब तक स्यूडोपोडिया कंप्लीट अपने फेज में नहीं आता, सब्सट्रेट के पूरी तरीके से एक्वायर नहीं हो पाता। दैट मीन कि जो जेल है पोस्टीरियर रीजन में वो यहां किस में कन्वर्ट होता जाता है, सोल में कन्वर्ट हो जाता है, इसको आप सोलेशन भी कह सकते हो। या थोड़ा सा और इजी कर दूं तो जेल जो है यहाँ सोल में कन्वर्ट होता हुआ दिखता है और सोल जो है यहाँ जेल में कन्वर्ट होता जाता है। अपने लिए एक और क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि एंटीरियर रीजन में सोलेशन होता है कि जेलेशन होता है, या फिर पोस्टीरियर रीजन में आपको सोलेशन देखने को मिलेगा या जेलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, एट द एंड क्या होगा, अगली बार जब क्या होगा, जैसे मान लो ये सब्सट्रेट है तो इस सब्सट्रेट पर जो अमीबा होगा इस तरीके से इंगल्फ करता हुआ आपको नजर आ जाएगा। तो ये थ्योरी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, हाइमन द्वारा प्रपोज की गई, पेंटिन और मास द्वारा इसको सपोर्ट किया गया। एंटीरियर रीजन पर आपको सोल और जेलेशन देखने को मिलता है, एलन केप का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, एलन केप का फॉर्मेशन एक्टोडर्म से एक्टोप्लाज्म से देखने को मिलता है, जबकि पोस्टीरियर रीजन पर आपको सोलेशन देखने को मिलेगा। ये बात हुई इनमें लोकोमोशन। ऐसे ही थोड़ी सी ओस्मो रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो रेगुलेशन इन द सेंस कि जो ओस्मोटिक बैलेंस है घर में देने वाले हैं, तो ओस्मोटिक बैलेंस के लिए तो बहुत ज्यादा इनको जरूरत पड़ती है, साथ ही जो नाइट्रोजन वेस्टेज होंगे उनको भी उनको बॉडी से बाहर निकालना होता है, तो वो काम यहाँ कौन करती है, वो क्यूल करती है। और ये वो क्यूल ठीक जो किडनी की किडनी होती है, इवन जो फ्रोग की एनालॉग जो फ्रोग किडनी होती है जिसमें यूरिनरी ट्यूबुल्स होते हैं उसके एनालॉगस इसको माना जाता है, एनालॉगस को माना जाता है। फ्रोग किडनी में हम देखते हैं एंटीरियर रीजन पर आपको यूरेटर देखने को मिलता है, जबकि पोस्टीरियर रीजन पर एक बाइडर कैनाल देखने को मिलते हैं जिसमें लगभग संख्या में 2000 के लगभग आपको जो नेफ्रिट दिया होते हैं वो आपको वाटेज देखने को मिलते हैं, नेफ्रोस वाटेज देखने को मिलते हैं। साथ ही पोस्टीरियर एंड पर आपको टेस्टिस या ओवर या फिर यूरिन जनरेटर सिस्टम उसको कहा जाता है, उसकी बात हम जब राना बनेंगे तब डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो वोक्यूल है वो फ्रोग की किडनी के एनालॉग पर्पस मानी जाती है। कोई भी जो अमीबा होता है वो हमेशा हाइपरटोनिक होता है, दैट मीन अगर मैं किसी अमीबा को डिस्टिल वाटर में प्लेस कर दूं, किसी डिस्टिल वाटर में प्लेस कर दूं तो वाटर अमीबा के अंदर इंसर्ट ज्यादा होना लग जाएगा, वो स्वेल होना शुरू हो जाएगा, स्वेल होना शुरू हो जाएगा तो वाटर को वापस बाहर करने का काम कौन करने लग जाती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल, और कॉन्ट्रेक्टाइल की वोक्यूल जो की वर्किंग जो होगी वो यहाँ आपको फास्टर देखने को मिलती है। वही उल्टा अगर इसी अमीबा को मैं किसी साल्ट वाटर में प्लेस कर दूं तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल का वहां कोई फंक्शन नहीं रहेगा, ये आपको डिसअपीयर होती हुई दिख जाएगी। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी न्यूट्रिशन की भी बात करते हैं, इनमें फूड को इनटेक किया कैसे जाता है, न्यूट्रिशन एनिमल है तो ये होलो जो एक न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, इंगल्फ करेंगे, इंजेशन इनमें देखने को मिलेगा, और इंजेशन भी फेगोसाइटोसिस मेथड से देखने को मिलता है, किसी भी पार्टिकल को ये प्लाज्मा लेमा के थ्रू इंगल्फ करेंगे, उसको आप फेगोसाइटोसिस कह सकते हैं। और अंदर ही आपको लाइसोसोम देखने को मिलेगा, लाइसोसोम देखने को मिलेगा तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी आपको वहां देखने को मिल जाएगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी देखने को मिल जाएगी। अब एग्जाम में आने लाइक क्वेश्चंस क्या है कि जैसे इनमें अलग अलग मेथड देखने को मिलती है, खाने में बैक्टीरिया भी खा लेते हैं, ये इनकी भी खा लेते हैं छोटे छोटे, इनमें दो तीन विधि देखने को मिलेगी। एक मेथड होता है जिसको इंपोर्ट कहा जाता है, ठीक है, एक मेथड होगा जिसको सरकमफ्लुएंस कहा जाता है, जबकि एक मेथड होता है जिसको सरकमवेलेशन भी कहते हैं, सरकमवेलेशन। डिफरेंस क्या है, इंपोर्ट सरकमफ्लुएंस एंड सरकमवेलेशन में डिफरेंस ये होगा
उनका जो प्रे है उसकी नेचर कैसी है। जैसे अगर मान लो कोई प्रे है इनका बिल्कुल पैसिव है, मतलब कोई एल्गी है जिसको जो कोई भी मूवमेंट नहीं करती है, उनका इंटेक अमीबा इंपोर्ट विधि से करेगा। लेकिन मान लीजिए थोड़ा सा लेस एक्टिव प्रे अपने पास है या फिर अमीबा के पास है, या फिर मैं कह दूं मोशनलेस जिसमें आपको मोशन भी नहीं देखने को मिलेगा, और ऐसा कौन हो सकते हैं, ऐसा बैक्टीरिया हो सकते हैं। इन बैक्टीरिया का जो इनटेक होगा वो देखने को मिलेगा आपको सर्कमफ्लुएंस मेथड से। ठीक ऐसे ही आपको सर्कमवेलेशन देखने को मिलेगा, कब, जब कोई एक्टिव प्रे पर ये फीड करेंगे, वो कौन हो सकता है, कोई दूसरा प्रोटोजोन हो सकता है, जो शिलिएट भी हो सकता है, कोई प्लेजिलेट भी हो सकता है। तो न्यूट्रिशन में भी आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को जरूर मिल सकते हैं जो वन लाइनर हो सकते हैं। डाइजेशन के लिए इनमें फूड वोक्यूल होती है, इनिशियली हम डिस्कस कर चुके हैं कि डाइजेशन में भी इनमें फूड वोक्यूल होगी, और ये जो फूड वोक्यूल होगी वो किस एक अमीबा में किधर स्थित होती है, एंटीरियर रीजन की क्यों स्थित होती है। फूड को अंदर लिया जाएगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन किया जाएगा, और पहले इनमें जो फूड मॉलिक्यूल होगा पहले एसिडिक मीडियम में होगा, फिर उसको बेसिक उसके मीडियम में उसका क्या होगा, डाइजेशन देखने को मिलता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन आपको यहां देखने को मिलेंगे। डाइजेशन के बाद में एक और इंपॉर्टेंट बात बन जाती है बिहेवियर की, बिहेवियर। और बिहेवियर जो होता है अमीबा में आप टैक्सिस के थ्रू पता लगाते हैं, अनुचलन, अनुचलन की कोई भी स्टिमुलस दिया जाएगा तो इनकी बॉडी में एक्टिव मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे अगर मैं थर्मोटैक्सिस दूं, थर्मोटैक्सिस का मतलब क्या हुआ कि कोई टेम्परेचर से रिलेटेड स्टिमुलस उनको दूं तो क्या होगा, अगर मैं उनको फोटोटैक्सिस, फोटोटैक्सिस का मतलब लाइट के अनुसार कोई लाइट का रखूं, लाइट को फेस करूं डिम लाइट या हाई लाइट को, तब अमीबा कैसे रेस्पॉन्ड करता है। ऐसे ही किसी कीमोटैक्सिस की बात भी कर सकते हैं कि एसिडिक हुआ कोई बेसिक हुआ, या फिर आप गैल्वेनोटैक्सिस की भी बात कर सकते हैं कि मान लो कि कैथोड और एनोड पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन का आपको इसको इनको स्टिमुलस दिया तो इनका मूवमेंट किधर रहेगा, वो भी आप यहां पता करेंगे गैल्वेनोटैक्सिस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट स्टिमुलस दिया जाता है। तो सेंस में हम देखते हैं थर्मोटैक्सिस में 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है। अगर मान लो कि 25 डिग्री से कम है, 20 डिग्री से कम मान लो या 25 से ज्यादा मान लो, उस दौरान अमीबा कंफर्टेबल नहीं रहेगा। फोटोटैक्सिस में अगर लाइट की बात करें तो स्ट्रोंग लाइट के लिए हमेशा ये नेगेटिव होते हैं, मतलब किसी भी स्ट्रोंग लाइट में की तरफ ये नहीं आएंगे, इधर जाएंगे डिम लाइट की तरफ जाएंगे। तो पॉजिटिव टू किसके लिए हो जाएगा, डिम लाइट के लिए इनका जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव माना जाएगा। केमिकल्स के लिए हमेशा नेगेटिव, कोई सा भी केमिकल हो उनसे ये हमेशा दूर भागेंगे। साथ ही गैल्वेनोटैक्सिस में ये जो नेगेटिव आयन है जो कैथोड है उसकी तरफ इनका मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एंड द एंड अपने पास रिप्रोडक्शन भी आ जाता है, एट द एंड हम इनके रिप्रोडक्शन की भी बात कर लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव बिहेवियर देखें। टिपिकली जो ये क्या होते हैं, प्रोटोजोवन होते हैं, और प्रोटोजोवन है तो इनमें कौन सा रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, एसेक्सुअल में भी बाइनरी फिशन इनमें देखने को मिलता है, लेकिन बाइनरी फिशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो तब हुआ जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिले, मॉइस्ट अच्छे से मिले, फूड इनको अच्छे से मिले। लेकिन जैसे मान लीजिए कि अनफेवरेबल कंडीशन हो, मान लीजिए इनको अनफेवरेबल कंडीशन में रख दी जाए, तो जो भी अनफेवरेबल कंडीशन होगी, और अनफेवरेबल कंडीशन कौन सी हो सकती है कि उनको फूड कम मिल रहा हो, या फिर उनके पास ऑक्सीजन कम आ रही हो, या फिर उनके पास जो पर्याप्त मॉइस्चर नहीं है, सारा सूख गया तो क्या करेंगे। तो उस सिचुएशन में इनमें देखने को मिलता है इंसिस्ट, ये अपने ऊपर जो है इंसिस्ट में
इंसिस्ट का एक आवरण चढ़ा लेते हैं, इसको आप टिपिकली स्पोरुलेशन भी कहते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन भी आप इनको कह देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सुनीता, तो इंसिस्टमेंट भी हो सकता है, स्पोरुलेशन भी हो सकता है। ठीक है, ये बात में एक बार फिर से छोटा सा एक रिपीट करता हूं आपको। सबसे पहले हमने सिस्टमेटिक प्रोडिशन की बात की, और हैबिट डेट में इनमें मैंने आपको इन्फ्यूजन मेथड के बारे में थोड़ा सा बताया कि लेबोरेटरी में आप उनको कल्चर कर सकते हैं। इनके एनाटॉमिकल फीचर आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखनी है, एंटीरियर साइड में क्या होता है, पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, फूड यूकल की पोजीशन कहाँ है, कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल की पोजीशन कहाँ है, ये भी देखोगे, प्लाज्मा लेमा का बिहेवियर क्या है, साथ ही मूवमेंट में इनका जो साइटोप्लाज्म का डिफ्रेंशिएशन कैसा होता है वो होता है, और साइटोप्लाज्म का जो सोल जेल थ्योरी के थ्रू में जो मूवमेंट है वो कैसे रेगुलेट होता है उसकी बात भी ध्यान में रखनी है। उस रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल की फंक्शनिंग, और साथ में न्यूट्रिशन जिसमें इम्पोर्ट सर्कम्फ्लुएंस और सर्कमवेलेशन कौन कौन सी सिचुएशन में इनके द्वारा किया जाता है वो भी ध्यान रखेंगे, बिहेवियर के बारे में बात ध्यान रखेंगे, और रिप्रोडक्शन के बारे में दो तीन बात ध्यान रखेंगे। ये सब कुछ हुआ अमीबा के बारे में, ऐसा मटेरियल जो कि आपको स्ट्रिक्टली आपकी आरपीएससी एग्जाम कोई सी भी एग्जाम दोगे, फर्स्ट ग्रेड से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर आपका रीट का लेवल जहां मैथ्स बायोलो आता है वहां भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अब आप रेडी है, कुछ एक क्वेश्चन आपके पास, आप जवाब देंगे जो भी मैंने पढ़ा है, उसके अतिरिक्त भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा अप्लाई करके भी लगाएंगे, और आप सभी लोग जो भी सुन पा रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, वो इन क्वेश्चंस का जवाब देंगे, ईमानदारी से जवाब देंगे, क्योंकि ये रोज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला अपने पास क्वेश्चन है, इन अमीबा एक्सक्रीशन अकर्स टू, अमीबा में जो उत्सर्जन होता है वो उत्सर्जन का काम कौन करता है, एनीबडी? जो एक्सक्रीशन होगा, डेफिनेटली जो एक्सक्रीशन होगा या फिर जो ओस्मोरेगुलेशन होगा वो रेगुलेट कौन करते हैं, वो रेगुलेट करेंगी कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल, वो कौन करेंगी कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल। लेकिन अगर थ्रू पूछा है किसके थ्रू होगा वोक्यूल, सुनीता शैलजा बिल्कुल सही जवाब है, बट नॉट राइट आंसर। एक्सक्रीशन अकर थ्रू एक्सक्रीशन काम के लिए या ऑस्मोरेगुलेशन काम के लिए वोक्यूल तो काम आएगी, लेकिन थ्रू किसके थ्रू होगा, प्लाज्मा लेमा के थ्रू, क्योंकि क्वेश्चन है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़कर आप इन क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, करती कौन है, डेफिनेटली बिना किसी डाउट के आप कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल रख सकते हैं, लेकिन किसके थ्रू होता है, दैट मीन कि आपको एक स्ट्रक्चर का पता लगाना है जहां से आपको एक्सक्रीटरी मेटल को बाहर ईजेस कर सकते हैं, वहां प्लाज्मा लेमा अपना टोटल जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंट अमीबा डिफर फ्रॉम अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो कि अमीबा डिजेंट्री कोज करते हैं ह्यूमंस में, पैरासिटिक, एक पैरासिटिक लोबोगोडियन होता है, वो अमीबा से अलग कैसे है। इनिशियली मैंने आपको बताया था स्यूडोपोड्स दोनों में देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियस भी दोनों में देखने को मिलेंगे, एक्टोप्लाज्म का डिफरेंशिएशन भी आपको एक तरह से देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा डिफरेंस एंटमीबा हिस्टोलाइटिका तो पैरासिटिक है, पैरासिटिक है तो इसको तो बनाया बनाया फूड मिल जाएगा, बना बनाया फूड मिल जाएगा, बना बनाया ओस्मोटिक एनवायरमेंट इसको मिल जाएगा। ठीक है, फील्ड में कौन रहता है, बाहर कौन रहेगा, अमीबा। अमीबा में एक्स्ट्रा वाटर हुआ या फिर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो वहां काम कौन करेगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल। ठीक है, तो अपना सही जवाब सेकंड का कौन सा हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका में देखने को नहीं मिलती है। सुनीता बिल्कुल सही जवाब, परफेक्ट आंसर। ऐसे ही अपने पास एक और क्वेश्चन है,
जवाब देंगे आप, इन अमीबा न्यूट्रिशन इज, अमीबा में न्यूट्रिशन जो होगा वो कैसा होता है, पोषण की विधि, पोषण की विधि बताइए कैसी होती है। अगर कोई प्लांट है तो प्लांट में हमेशा ऑटोट्रॉफ देखने को मिलता है, बिल्कुल अमीबा। अमीबा कौन है, अगर कोई एनिमल है, और कोई एनिमल है तो अगर वो फूड को इंजेस्ट कर रहा है, इंजेशन देखने को मिल रहा है, तो वो हमेशा कैसा हो जाएगा, होलोजुइक। अगर वो एनिमल को इंजेस्ट कर रहा तो होलोजुइक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल भानुप्रिया, इस सीरीज के बाद में हम राना और रैपिड भी करने वाले हैं। जुई का तो वो एनिमल करवा देगा, अगर मान लो कि होलोफिटिक मैंने बोल दिया, इसका मतलब वो किस पर फीड करता है, किसी प्लांट पर फीड कर देगा, लेकिन करेगा इंजेशन ही, और इंजेशन इन द सेंस कि वो एक एनिमल है, पैरासिटिक एनिमल भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं। सेप्रोबायोक और होलोफिटिक जो है वो टर्म आपको फंगस के बारे में आप रख सकते हैं, लेकिन एनिमल्स टिपिकली हेलोजिन टाइप का इनमें न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। अगली बार व्हेन टच विद नीडल अमीबा विल, ये तो कॉमन बिहेवियर पैटर्न है, अगर नीडल से अमीबा को टच किया गया, नॉट पिनिट्रेट, ठीक है, पिनिट्रेट नहीं किया मैंने, टच किया है, क्या होगा, दूर भागेगा, टैक्सिस होगा। इसका मतलब इसमें आपको बिहेवियर पैटर्न देखने को मिलेंगे, वो पैटर्न इनमें प्लाज्मा लेमा रिसीव करती है, प्लाज्मा लेमा आपको इलेक्ट्रिकली भी रेस्पॉन्स ले सकती है, स्टिमुलस ले सकती है, ठीक है, केमिकली दे सकती है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम ये कहेंगे कि अमीबा दूर भाग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पोस्टीरियर एंड ऑफ अमीबा इज कैरेक्टरिस्टिक बाय, पोस्टीरियर भाग है जो पश्चिम भाग है अमीबा का, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, एम्फिड, एम्फिड तो कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर होती है, तो एस्केरिस में जाकर हम देखेंगे, ठीक है, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं, एम्फिड्स में होते हैं, एम्फिड्स तो नहीं होंगे। लैक ऑफ फूड वोक्यूल, फूड वोक्यूल के बारे में हमने क्या कहा था कि फूड वोक्यूल हमें आपको इंटीरियर रीजन में देखने को मिल सकती है, ये बात थोड़ी सी जमती है अपने लिए। यूरोपाइजियम नहीं, प्लाज्मिड भी नहीं, तो लैक ऑफ फूड वोक्यूल आपको हमेशा कौन से रीजन की तरफ देखने को मिलती है, इंटीरियर रीजन की तरफ देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन, इन अमीबा एक्सक्रीशन अकर थ्रू, चलो ये बात क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, इसको छोड़ते हैं। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ लोकोमोशन इन अमीबा, लोकोमोशन के लिए अमीबा में, और 2018 आपका क्वेश्चन भी है, 2018 का जो आरपीएससी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन भी है, उसमें लोकोमोशन के लिए सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी किसको मानी गई है, वो मानी गई है मास्ट की सोल जेल थ्योरी को, ठीक है सुनीता, सोल जेल थ्योरी है वो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती है। हालांकि रोलिंग्स मूवमेंट और सरफेस टेंशन कॉन्टैक्टाइल हाइड्रोलिक थ्योरी भी हम थोड़ा सा अपने क्लासरूम में डिस्कस करते हैं। हाँ बिल्कुल, सेवंथ का ए नहीं होगा बेटा, वो सेल जेल थ्योरी जो हमने बात करी, सोल जेल थ्योरी, वो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, द ब्लंट स्यूडोपोडिया इन अमीबा इज कॉल्ड, अमीबा में जो ब्लंट स्यूडोपोडिया है मतलब कोई नो एक्सियल फिलामेंट, कोई भी एक्सियल फिलामेंट नहीं होगा, इसमें रेटिकुलोपोडिया, फाइलोपोडिया, एक्सोपोडिया तीनों ही नलिफाई हो जाते हैं, वहां से ही जवाब होगा अपना लोबोपोडिया, और डेफिनेटली हम इनको लोबोसा में भी रखते हैं, ऑर्डर लोबोसा में भी रखते हैं, उसका सेंस यही है कि वहां एक्सियल फिलामेंट नहीं होंगे, फिंगर लाइन ब्लंट एंडेड आपको क्या देखने को मिलेंगे, स्यूडोपोडिया देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग अमीबा प्रोटियस, अमीबा प्रोटियस के रिगार्डिंग कौन सी बात सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है,
इट डिस्कवर्ड बाय रोजनहॉफ, बिल्कुल सही बात है। इस लोकोमोटिव ऑर्गन इज स्यूडोपोडिया, ये भी सही है। इट हैज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी सही है। यूरिकोटेलिक नहीं हो, इनको आप अमोनोटेलिक कह सकते हैं, आप उनको अमोनोटेलिक कह सकते हैं। हालांकि किसी भी टाइप का ऑर्गन नहीं होता, तो एक मेजर कंसर्न में आप अमोनोटेलिक भी नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं हाँ अमोनिया का ये ज्यादा क्या करते हैं एक्सक्रीशन करते हैं। गुड, शाबाश सुनीता, सही। लास्ट क्वेश्चन, अमीबा शोज पॉजिटिव बिहेवियर टू वर्ड, बिहेवियरली देखें तो अमीबा को पॉजिटिव बिहेव देखना है। टेम्परेचर बिलो 20 एंड अबो 25, 20 से टेम्परेचर कम हो या 25 से ज्यादा हो तो क्या ये पॉजिटिव बिहेव दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो क्या है 25 डिग्री सेल्सियस, तो फर्स्ट हो गया गलत। दूसरे पे चलते हैं, वाटर करंट के थ्रू भी ये पॉजिटिव मूवमेंट नहीं दिखाते, ठीक है। साथ ही डार्कनेस, हाँ डिम लाइट के लिए जरूर ये पॉजिटिव इनमें क्या देखने को मिलता है, मूवमेंट देखने को मिलता है। तो 3 ओनली जो है अपने यहां से सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम समराइज करते हैं। आज के सेशन में हमने बात करी इसके बारे में, अमीबा के बारे में बात करी, अमीबा की सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर, फिर उसका हमने हैबिट एंड हैबिटेट देखा, फिर उसका हम इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स उसके देखे, फिर मूवमेंट की बात करी, थोड़ा सा एक्सक्रीशन की बात करी, थोड़ा सा इनमें हमने डाइजेशन की बात करी, न्यूट्रिशन की बात करी, बिहेवियर की बात करी। यही पैटर्न हम कल अपनी उबेले के क्लास में भी लेकर आने वाले, ठीक है। तो इसी प्रकार जुड़े रहिए इस जो RPSC का ये चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी कोई क्वेरी हो तो आप IFSE पर हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। एनी क्वेरी, फुल टेस्ट का मॉक टेस्ट के लिए कह रहे सुनीता, और वो भी आप YouTube कह रहे थे, ये भी एग्जाम के ठीक पहले डेफिनेटली एक पूरा सीरीज लेकर आएंगे। टॉपिक शैलजा, आप देखिए इस चैनल पर आपको कई सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, एक एक करके हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहले हमारे पास ये इनवर्टिब्रेट के 6 एनिमल हो जाएंगे, फिर हम वर्टिब्रेट्स में, और फिर आप लोगों की डिमांड पर कोई और टॉपिक्स हुए तो उनको जरूर लेकर आएंगे, ठीक है। तो होपफुली ये सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा, बने रहिए IFS के साथ। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।